इसके बाद खास एक जो अकीदा था अहले अरब का, जो अकीदे में शिर्क, शिर्क फिर अकीदा, वो अकीदा ये था कि ये जो फरिश्ते हैं ये असल में अल्लाह की बेटियां हैं और अल्लाह को अपनी इन बेटियों से बड़ी मोहब्बत है। ये बेटियां अगर किसी की सिफारिश कर दें तो बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे चहेती बेटी हो आपकी कोई, वो आके आपसे किसी की सिफारिश करे तो क्या आप रद्द कर देंगे उसकी बात? बेटी है, लखते जिगर है, लिहाजा ये अल्लाह की बेटियां हैं। उन्होंने वो अल्लाह की बेटियां माना फरिश्तों को और उनके नाम पर बुत बना लिए। ये सारे अरबों के बुत जो है मुअन्नस है, लात, लात जो है इलाह का मुअन्नस है, उज्जा अल अजीज का मुअन्नस है, उज्जा मनात अस्सालिसत अल उखरा, तीसरा एक और था वो मनात, वो भी मुअन्नस। तो उन्होंने जो बुत बना रखे थे वो अपने ख्याल के मुताबिक फरिश्तों के नाम पर बनाए और फरिश्तों को खुदा की बेटियां करार दिया। और जो फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं और उनको हम इन्वोक करते हैं उनके इन बुतों के जरिए से, इनके जब हम सजदा करते हैं, इनको इनको चूमते हैं, चाटते हैं, इन्हें धोते हैं, इनका धोवन पीते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो खुश हो जाती है, वो बेटियां अल्लाह की वो सिफारिश कर देंगी, बेड़ा पार हो जाएगा। तो यहां पर अब तंस का अंदाज कुरान ने इख्तियार किया है। तुम जरा सोचो, तुमने अल्लाह को अलॉट भी की तो बेटियां, तुम्हें अपने लिए तो बेटियां पसंद नहीं है। अरब में तो आपको मालूम है कि अक्सर और बेशतर जो है बेटियों को जिंदा दरगोर दफन कर देते थे। उनका वो गैरत का गलत तसव्वुर था कि कोई शख्स दामाद बनकर हमारे घर आएगा, नहीं, दफन करो। तो बेटी तो पसंद नहीं। कुरान मजीद में कई जगह आया है जब इन्हें किसी बेटी की खुशखबरी दी जाती है कि आपके यहां बच्ची पैदा हुई है तो उसका चेहरा एकदम स्याह पड़ जाता है और लूंग लटक जाता है, बहुत अफसोस के अंदर, गम के अंदर, अपने गम को जो है वो गुस्से को और रंज को घोंटता है अंदर ही अंदर, सोचता है कि मैं इसे जिंदा रहना दूं या दफन ही कर दूं। लेकिन तुमने अल्लाह को अलॉट भी की औलाद तो उनमें से बेटियां। अफा अस्फाकुम रब्बुकुम बिल बनीन, जरा सोचो, क्या तुम्हें तो अल्लाह ने चुन लिया बेटों के लिए, तुम्हें बेटे पसंद है? वह तखज़ा मिनल मलाइकते इनासा, अव्वल तो अल्लाह के कोई औलाद है ही नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। लेकिन तुमने कमाल किया कि अल्लाह के लिए औलाद भी तजवीज कर दी, औलाद में से जो तुम्हें पसंद नहीं है वो अल्लाह को अलॉट की। अफा अस्फाकुम रब्बुकुम बिल बनीन वत्तखज़ा मिनल मलाइकते इनासा, अल्लाह ने तुम्हें तो चुन लिया, पसंद कर लिया बेटे देने के लिए और खुद अपने लिए बेटियां बना ली। इन्नकुम लतकूलूना कौलन अज़ीमा, जान लो तुम बहुत भारी बात कह रहे हो, बहुत बड़ी बात कह रहे हो, गुस्ताखी की बहुत बड़ी बात है। अल्लाह की जनाब में ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। इसका सबसे ऊंचा मकाम जो कुरान मजीद में, वो सूरह मरियम है। ये सूरह बनी इसराइल है, फिर सूरह कहफ, फिर सूरह मरियम। वकालू तखज़ रहमान वलदा लक़द जेतुम शैयन इद्दा तकादु समावात यतफत्तर नमिन हो वतनशक्कुल अर्द वतखरुल जिबालु हद्दा अंदाउदिर रहमान वलदा। इन्होंने कहा कि रहमान ने अपने लिए कोई बेटा या बेटी बना ली। देखो लोगों, तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो, बहुत बड़ी गुस्ताखी की बात कर रहे हो अल्लाह ताला की शान से। और तुम्हारी गुस्ताखी की बात ऐसी है कि इससे आसमान फट पड़ने को है, जमीन शक होने को है और पहाड़ एक धमाके के साथ गिर पड़ने को है। इतनी बड़ी गुस्ताखी है। अल्लाह के शायान शान ही नहीं है कि उसका कोई बेटा हो या बेटी हो। तो वो मकाम जो है ज़रवा सना में पूरे कुरान मजीद में इस खास किस्म के शिर्क के ऊपर अल्लाह का गज़ब जिस तरह जाहिर होता है वो सबसे ज्यादा नुमाया वहां। बहरहाल इस पर इन्नकुम लतकूलून कौलन अज़ीमा ये दो रुकू खत्म हुए और इस पर हमारा जो इस मुंतखब निसाब का जो तीसरा हिस्सा चल रहा था उस तीसरे हिस्से का ये दर्स जो है खत्म हो रहा है। अब इसमें एक दर्स बाकी रह गया है, यानी अमल साले की वजाहत में सबसे पहले इनफिरादी शख्सियत, फिर आयली जिंदगी, फिर माशरती जिंदगी, फिर रियासत और हुकूमत, मिल्ली जिंदगी, उसके लिए उसूल क्या है। इसके लिए जामे तरीन सूरत कुरान मजीद के अंदर सूरह हुजरात है। तो हमारा अगला दर्स जो है इंशाअल्लाह सूरह हुजरात का होगा। बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात वज़िकिल हकीम।